exercise 16.1. So we have done question, third question. Now question number 4. The three angles of a coordinator are in ratio 2:3:4 respectively. The sum of first and third angle is equal to 180 degree. Let find the all the angles of coordinator. क्या कहते हैं बेटा कि पहले तीन angles जो three angle हैं उनका क्या दे रखा है हमें ratio दे रखा है क्या ratio दे रखा है 2, 3 and 4 respectively. फिर क्या कहता है कि जो first और third angle है उसको वो उनका सम किसके इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल है. ठीक है बेटा. फिर क्या कहता है कि सभी के सभी एंगल्स फाइंड आउट करो. सो रेशियो ऑफ एंगल्स थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 2:3:4. जब भी हमें रेशियो में गिवन होगा कोई भी क्वेश्चन तो हम उस क्वांटिटी को क्या मानते हैं कि उसमें एक वेरिएबल भी ऐड कर लेते हैं. जैसे आप क्या ऐड कर लेंगे एक्स भी ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट एंगल आ जाएगा. सो लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू उनके साथ क्या आ जाएगा कोई भी एक वेरिएबल. हम वेरिएबल क्या यूज कर रहे हैं एक्स यूज कर रहे हैं. ठीक है बेटा. 2 × x वेरिएबल क्या होता है जिसकी कोई भी फिक्स वैल्यू ना हो. ठीक है बेटा. नाउ लेट सेकंड एंगल 3x थर्ड एंगल 4x. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि फर्स्ट और थर्ड का सम 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्या कहता है कि फर्स्ट और थर्ड का सम किसके इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल है. सो हमारे पास क्या आ गया 2x प्लस 4x 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 6. जब हम 6 को इधर से उधर लेके जाएंगे तो इसमें चला जाएगा वो डिवाइड में 6 × 3 = 18 0 डिग्री. वैल्यू ऑफ x इज 30 डिग्री. वैल्यू ऑफ x इज 30 डिग्री. Now we will find the first angle. The first angle is 2x. Value of x is 30 degree. So 2 × 30, 60 degree. Now second angle 3x. 3 × 30 degree is equal to 90 degree. Third angle is equal to 4x. 4 × value of x is 90 degree. So 4 × 12 = 120 degree. Now we have to find the fourth angle. अब हमें क्या करना है fourth angle find out करना है. हमारे पास three angles हैं. अब हमें क्या करना है fourth angle find out करना है. So sum of all angle in coordinator m coordinator is equal to 360 degree. ये हमने लास्ट वीडियो में प्रूव किया था कि जो सब है इसका एंगल्स का किसमें कोऑर्डिनेटर में किसके इक्वल है 360 डिग्री के इक्वल है. तो फोर एंगल कितने एंगल होते हैं फोर एंगल होते हैं बेटा. थ्री एंगल्स तो हमने फाइंड आउट करनी है फोर्थ एंगल अभी क्या करना है फाइंड आउट करना है. सो 60 plus 90 plus 120 degree plus 4 angle is equal to 360 degree. ठीक है. नाउ x 0 है 6 9 प्लस तो 11 है 6 27 और 17 एंड 1 कैरी 1 प्लस 1 2 270 डिग्री प्लस 4 एंगल is equal to 360 degree. We have to find the value of fourth angle. So we will take 270 from here to there.
120 degree and 90 degree. Now question number 5. Two angles of quadrilateral are 70 degree and 40 degree respectively. क्या कहता है कि दो एंगल्स किसके क्वाड्रिलेटर के वो क्या है 70 डिग्री है और 40 डिग्री है. एंड द रिमेनिंग टू एंगल्स आर इन द रेशियो. जो रिमेनिंग टू एंगल्स हैं वो किस में है रेशियोज में है. ठीक है बेटा. सो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर. तो हमें क्या करना है सभी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं किसके क्वाड्रिलेटर के. ठीक है बेटा. तो हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं 70 डिग्री और 40 डिग्री. तो वो क्या हो गए हमारे फर्स्ट एंगल एंड सेकेंड एंगल. फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री. और हमें रेशियो गिवन है किसका टू रिमेनिंग टू एंगल्स का. तो थर्ड और फोर्थ एंगल का हमें क्या गिवन है रेशियो गिवन है. तो रेशियो ऑफ थर्ड एंड फोर्थ एंगल इज इक्वल टू 2:3. अभी हमने देखा था बेटा जो भी हमें रेशियो में गिवन होते हैं तो हम एंगल्स को क्या करते हैं किसी एक वेरिएबल के साथ उस रेशियो को ले लेते हैं. अब थर्ड एंगल हम क्या हो जाएगा 2x. फोर्थ एंगल हम क्या हो जाएगा 3x. सो थर्ड एंगल लेट थर्ड एंगल इज इक्वल टू 2x. फोर्थ एंगल इज इक्वल टू 3x. अब हमने देखा था कि आगे क्या करते हैं सम ऑफ ऑल एंगल इन क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360. सम ऑफ ऑल एंगल क्या होंगे क्वाड्रिलेटर के वो क्या होंगे 360 डिग्री के इक्वल होंगे. तो ये फॉर्मूला हम यहां पे राइट डाउन कर देंगे. अब हमारे पास फर्स्ट एंगल क्या है 70 डिग्री है. सेकंड एंगल क्या है 40 डिग्री है. थर्ड एंगल क्या है हमारे पास 2x है. और फोर्थ एंगल क्या है हमारे पास 3x है इज इक्वल टू 360 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर. ठीक है बेटा. नाउ 70 प्लस 40 और रिमेंट 10 डिग्री 2 प्लस 3x 5x इज इक्वल टू 360 डिग्री. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो 5x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री. 360 में से क्या करेंगे बेटा 110 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5x इज इक्वल टू 0 6 माइनस 1 5 3 माइनस 1 2 250 डिग्री 250 डिग्री. बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो वी विल टेक 5 फ्रॉम हियर टू देयर इट बिकम इन डिवाइडिंग फॉर्म. ये किस में आ जाएगा डिवाइडिंग फॉर्म में आ जाएगा. सो x इज इक्वल टू 250 बाय 5. 5 से कितने तो बेटा 5 5 जा 25. सो वैल्यू ऑफ x इज 50 डिग्री. वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 50 डिग्री आ गई. जो थर्ड एंगल था वो क्या था 2x का. वो क्या था 2x का. तो क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे x की 2 × 50 हाउ मच 100 डिग्री. ठीक है बेटा. ये दो लाइनें आपको लास्ट में लिखनी है मैं यही लिख रहा हूँ. ठीक है आपको लास्ट में लिखनी है. फोर्थ एंगल क्या होगा बेटा 3x इज इक्वल टू 3 × वैल्यू ऑफ x इज 50 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री. दैट इज योर आंसर. ठीक है बेटा. क्या है हमारे पास 100 डिग्री एंड 150 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड x एंड फाइंड एंगल b एंड एंगल c. क्या कहते हैं बेटा जो फिगर गिवन है उसमें से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और क्या फाइंड आउट करना है हमें b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है बेटा. फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सेकंड पार्ट में एंगल b और एंगल c फाइंड आउट करना है. ठीक है बेटा. सो क्या हो जाएगा बेटा क्वाड्रिलेटर एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर.
इक्वेटर, ठीक है बेटा। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उसके सभी कोणों, उसके सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है बेटा। सो एंगल इज 90 डिग्री, जहां पे भी ये बॉक्स बना हुआ होगा बेटा, स्क्वायर बॉक्स सा बना होगा, वो कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है बेटा। तो ये 90 डिग्री प्लस एंगल बी इज 6x माइनस 5 डिग्री, एंगल सी इज 7x माइनस 15 डिग्री एंड एंगल डी इज 2x प्लस 5 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है बेटा। 5 डिग्री किसका है, प्लस का ही, 5 डिग्री किसका है, माइनस का ही, क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे। अब 90 में से 15 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 75 डिग्री, ठीक है बेटा। 6x प्लस 7x प्लस 2x, 6 प्लस 7 13 प्लस 2 15x इज इक्वल टू 360 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो वी विल टेक 75 फ्रॉम हियर टू देयर, 15x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 75 डिग्री। नाउ 15x इज इक्वल टू 360 माइनस 75 0, 10 माइनस 5 5 5 15 15 माइनस 7 8 and 2 285. Now x is equal to 285 upon 15. We can cancel it by 5. 5 is 15 and this one also we can cancel by 5. 5 5 is 25 and 7 5 75. So 5 5 25 is 3 3 5 35. So 57. 3 से कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 3 divided 2 27 27 and 3 9 is 27. So value of x is 19 degree. Value of x is 19 degree. We have to find the value of angle B and angle C. Now second part. Angle B is 6x minus 5 degree. 6 into x, x is 90 minus 5 degree. 90 is 6 up 140 minus 5. So we have 140 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 109। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सो 7x माइनस 15 सो 19 इनटू 7 माइनस 15 19 7 द 133 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 माइनस 5 8, 2 माइनस 1 1 एंड 1 एज इट इज 118 डिग्री। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, 109 एंड सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 118। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर आर 4x डिग्री 2x प्लस 15 डिग्री 5x माइनस 30 डिग्री एंड x प्लस 3 डिग्री। फाइंड द x द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्या कहता है बेटा कि एक तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो और एक क्या फाइंड आउट करो, मेजर ऑफ ईच एंगल, यानी कि प्रत्येक एंगल को फाइंड आउट करो। तो जैसे हमने क्लासिस क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही हो क्या है, 7th क्वेश्चन है, उसमें भी हमें क्या करना है, पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने यहां पे d और c की वैल्यू फाइंड आउट की है, वहां पे क्या करना है, हमें सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ट्राई योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन अ क्वाड्रिलेटर abcd साइड ad इज पैरेलल टू bc, क्या कहता है,
कि AD क्या है, पैरेलल है किसके, BC के। हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर है क्या, A B C D। अब जो साइड AD है वो क्या है, पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है, बताइए दोनों साइड क्या है, पैरेलल है। और क्या कहते हैं, इफ एंगल A रेशियो B, एंगल A एंड एंगल B का जो रेशियो है वो क्या दिया है हमें, एंगल A रेशियो एंगल B इक्वल टू 2:3 एंड एंगल C रेशियो एंगल D इक्वल टू 4:5। अभी एंगल AB का रेशियो भी गिवन है और एंगल CD का रेशियो भी हमें क्या है, गिवन है, कितना 4:5। तो क्या 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 है कि फाइंड द ईच एंगल ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD। तो ABCD के सभी एंगल्स फाइंड आउट करो। ठीक है बेटा, अब ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है बेटा, दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है। जब भी हमारे पास टू पैरेलल लाइंस होती हैं और उनको कोई लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो लाइन क्या कहलाती है, ड्राइव ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन। ये जो लाइन है जो ये टू पैरेलल लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन ये क्या कहलाएगी, हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है बेटा, अब ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो वो क्या बनाएगी, पेयर ऑफ एंगल्स बनाएगी। कौन कौन से पेयर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर बनाएगी। ठीक है बेटा, तो ये पेयर बनाएगी। जो अंदर वाले एंगल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटीरियर एंगल्स, और जो बाहर वाले एंगल होते हैं ये वाले एंगल, ये क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटा, अब जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये दोनों एंगल, यानी कि सेम साइड पे क्या होते हैं, जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, उनको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटा, तो जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है बेटा, इन दोनों एंगल्स का सम है वो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। ऐसे ही अभी दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, तो जो ये ए बी लाइन है ये क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये जो एंगल्स है ये क्या बनेंगे, हमारे इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। क्या हमारे इंटीरियर एंगल्स, अब ये इंटीरियर एंगल्स है दोनों ही और सेम साइड पे है, तो ये क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ गया हमारे पास, यू आइए सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स हो गया। तो अब हमारे पास ए और बी का रेशियो क्या गिवन था, 2:3। तो क्या हो जाएंगे, लेट एंगल ए इज इक्वल टू 2x और एंगल बी इज इक्वल टू 3x। ठीक है बेटा, ए इज इक्वल टू 2x और एंगल बी इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पुट कर देंगे वैल्यू 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो वी विल टेक 5 फ्रॉम हियर टू देयर, x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 5, 180 डिग्री बाय 5। नाउ वी कैन कैंसिल बाय 5, 5 रीजन 15 रिमाइंडर इज 3, 3 0 30, 5 6 30, वैल्यू ऑफ x इज 36 डिग्री, वैल्यू ऑफ x इज 36
degree. ठीक है सर. So angle of A is equal to 2 into 36 degree. How much? 72 degree. Now value of B is equal to 3 into x, 3 into 36 degree. How much? 108 degree. 108 degree. Now we have to find the value of CD. अब जो ये CD है, ये भी क्या है ना? जैसे अभी तो हमने दोनों एंगल्स का किया था, ये भी क्या है हमारे इंटीरियर थे. अब ये जो दो एंगल्स हैं, ये भी क्या होंगे? को इंटीरियर होंगे. ये भी क्या होंगे हमारे C और D को इंटीरियर एंगल्स होंगे. लेकिन अब जो ट्रांसवर्सल लाइन है, वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. ट्रांसवर्सल लाइन क्या आ गया हमारी? CD. AD parallel to BC and CD is a transversal line. CD is a transversal line. CD is a transversal line. So angle C plus angle B is equal to 180 degree by sum of co-interior angles. Sum of co-interior angles. ठीक है ना? अब पहले हमने इसमें क्या काम किया है? 2x और 3x. मीन्स x वेरिएबल ले लिया. तो अब यहाँ पे x वेरिएबल नहीं लेंगे, क्योंकि अगर x वेरिएबल लेंगे तो इसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 36 भी आएगी और जो हम फाइंड आउट करेंगे वो भी आएगी. तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो जाएगा. तो अब हमें क्या लेना है? कोई दूसरा वेरिएबल यहाँ पे लेना है. ठीक है ना? तो लेट एंगल c इज इक्वल टू 4y एंड एंगल d इज इक्वल टू 5y. ठीक है, हमने क्या ले लिया? जो हमारा रेशियो क्या था? 4:5. उसे क्या हो गया? एंगल c 4y आ गया और एंगल d क्या आ गया? 5y. ठीक है ना? अब हमें क्या करना है? इनकी वैल्यू पुट करनी है. सो 4y प्लस 5y इज इक्वल टू 180 डिग्री. जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, ऐसे ही वहाँ पे क्या करेंगे? y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फिर क्या करेंगे? जैसे हमने यहाँ पे एंगल a फाइंड आउट किया था, ये भी वहाँ पे क्या करेंगे? एंगल c और d फाइंड आउट करेंगे. सो आगे का आपको खुद करना है. ठीक है बेटा? नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड. हमें क्या है? फिगर की वैल्यू नहीं दी वाला. क्या कहता है? इसमें फाइंड करो क्या? तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो. फिर सेकंड पार्ट में क्या कहता है? ए सी बी, ये वाला एंगल फाइंड आउट करो. और क्या कहता है कि थर्ड पार्ट में एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल फाइंड आउट करो. ठीक है बेटा? तो हमें क्या करना है? थ्री पार्ट्स हैं, थ्री पार्ट्स हमें करने हैं. ठीक है? तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? इधर देखिए, ये क्या है हमारे पास? एक ट्रायंगल है. ये क्या है हमारे पास? एक ट्रायंगल है. ट्रायंगल क्या है? ए डी सी. क्या है हमारे पास? ए डी सी. और इसके तीनों एंगल्स हमें गिवन है. इसके तीनों एंगल्स हमें क्या है? गिवन है. तो एंगल ए, ए क्या है हमारे पास? एक्स है. एंगल डी क्या है हमारे पास? 4x माइनस 10 है. और एंगल सी क्या है हमारे पास? 4x प्लस 10. ठीक है बेटा? ये कौन सी ट्रायंगल है? हमें इन ट्रायंगल ए डी सी, जो हमारे ट्रायंगल हो गया है ए डी सी है, इसमें तीनों एंगल क्या है हमारे? x है, 4x माइनस 10 है, 4x प्लस 10 है. ये सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल क्या होता है बेटा हमारे पास? 180 डिग्री. 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ठीक है बेटा? तो यहाँ से हम क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ये किसका? माइनस का 10. ये किसका? प्लस का 10. क्या हो गए? कैंसिल हो गए. सो x प्लस 4x प्लस 4x कितना हो गया? माइनस 4 प्लस 4 8 एंड 1 9 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 9. 9 की जब 18 0 एंड 3, सो वैल्यू ऑफ x इज 20 डिग्री. वैल्यू ऑफ x इज 20 डिग्री. ठीक है बेटा? अब हमें क्या करना है? ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. उसके लिए हमारे पास ये होना चाहिए और हमारे पास ये है. हमें क्या
हमें फाइंड आउट करना है, हमारे पास स्क्वायर का टेबल है, उसका ट्रायंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी अब कौन सी है, हम नीचे वाले ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 3x + 15 = वैल्यू ऑफ एक्स इज 20, 3 × 20 + 15 = 3×2 = 6, 60 + 15 = 75 degrees। तो ये एंगल हमारे पास कितना है, 75 degrees। ये एंगल हमारे पास क्या है, 80 degrees। ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। सो 75 degrees + 80 degrees + ACB = 180 degrees एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो 80 + 75 = 155 degrees + ACB = 180 degrees एंगल ऑफ ACB = 180 degrees - 155 How much? 25 degrees That is your answer. ठीक है बेटा। लेकिन अभी हमें क्या करना है, डी भी फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है। ए बी सी इज इक्वल टू 4x, 4 × x वैल्यू ऑफ x इज 20 माइनस 10, 4 × 2 = 80 - 10 = 70 degrees सो ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 70 degrees Now, question number 10. Question number 10 is given that in a coordinator ABCD, a coordinator hai kya ABCD hai, usme angle A given hai kitna 66 degree, angle B given hai kitna, angle C plus 16 degree, angle C given hai 6 × x + 4 degrees and angle D is equal to angle A minus 16 डिग्री, ठीक है बेटा। फिर क्या कहता है वो कि एंगल बी और डी फाइंड आउट करो, क्या करो, एंगल बी और डी फाइंड आउट करो। इसको ये एंगल फाइंड आउट करना है और एक ये एंगल फाइंड आउट करना है। डी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए 66 - 16 degrees 66 - 16 = 50 degrees सो एंगल डी इज 15 degrees एंगल बी कैसे फाइंड आउट करना है, हमें सी की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है बेटा। लेकिन सी में क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल भी है, क्या है, एक्स, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सी की वैल्यू, एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एंगल सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हाउ मच, 360 degrees एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। नाउ एंगल ए इज 66 degrees एंगल बी इज एंगल सी प्लस 16 degrees एंगल सी, एंगल सी की वैल्यू कितनी है बेटा, 6 × x + 4 degrees + 16 ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, एंगल बी, ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, एंगल बी। हमने क्या कर दिया इसमें, एंगल सी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है बेटा। अब एंगल सी हमारे पास क्या गिवन है, 6 × x + 4 एंगल बी हमारे पास 50 degrees = 360 degrees = 360 degrees ठीक है बेटा। नाउ 66 degrees + 6 × x = 6x + 6 × 24 + 16 + 6 × x + 6x + 6 × 24 + 50 = 360 ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, ऐसे लिखिए यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। तो इनको ऐड करेंगे, 6 + 6x कितना हो गया हमारे पास, 12x,
66 plus 24, 90. 90 plus, ये कितना है हमारे पास 90. 16 plus 24, 40 and 50. ठीक है बेटा, 90 plus 40, 130. 130 plus 50, 180. So 12x plus 180 is equal to 360. ठीक है बेटा, now 12x is equal to 360 minus 180 degree. So 12x is equal to how much? 180 degree. X is equal to 180 by 12. We can now we have divided by 3. 3 for the 12. 3. 3 6 are 18, 0 present. Can we cancel it by 4? Yes. 4, 1 the 4, 25. 4, 5 the 15 degree. हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 15 degree. हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? b की. b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? c की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ठीक है बेटा, तो angle c is equal to 6 into value of x is 15. 15 plus 4. 6 into 15 plus 4, 90. And 90 is 140. ठीक है बेटा, तो हमारे पास कितना आ गया? 114 डिग्री आ गया. लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? बी की. सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी 114 डिग्री प्लस 16 डिग्री 130 डिग्री. तो हमारे पास आंसर क्या होगा? 130 डिग्री. सो आज फर्स्ट 10 क्वेश्चन तक ही करेंगे बेटा, 11, 12 नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.